आज मैं इस स्कूल का आपको पूरा रिव्यू कराता हूँ कि मैं कहाँ पढ़ता था, कहाँ बैठता था। आज भी वो जगह मौजूद है। आई थिंक उस चीज़ को हो गए हैं 30 साल हो गए। मैं 30 साल पहले कहाँ पढ़ता था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, तो वो चीज़ें अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे कि एक दो कमरे एक्स्ट्रा हुए हैं, बाकी पूरा स्कूल जो है, ये पीछे की साइड वाला आप जो बाग देख रहे हो, पूरा वैसा का वैसा ही है। सो लेट्स सी, तब तक के लिए वीडियो को आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। सो लेट्स सी, गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माई नोदर ब्लॉग। सो गाइज, आज मैं आया हुआ हूँ राजस्थान, और राजस्थान में हूँ मेरे गांव में, जो कि मैं बचपन में जहाँ पे पढ़ा करता था, आज मैं उस स्कूल में आया हूँ। पुरानी यादें बचपन वाली, मैं ज़्यादा इतना तो ठीक नहीं बता सकूँगा, लेकिन जब मैं 5th तक स्कूल है, 5वीं तक यहाँ पे स्कूल है, और वो स्कूल आज वैसा का वैसा ही है। और आज जब मैं सुबह उठा तो इस साइड आया तो मुझे ऐसा लगा कि चलो यार एक वीडियो बना लेना चाहिए। और आप लोग भी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो आप लोगों को पता होगा, जो सिटी में होते हैं वो इस टाइप की स्कूल नहीं होती है, एकदम देसी स्टाइल में। अभी आपको मैं इस स्कूल का विजिट कराता हूँ कि कैसा स्कूल है, क्या है, यहाँ के बच्चे, अभी तो बच्चे भी बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। 5th तक के स्कूल है तो आपको पता ही होगा कि, और वो भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल नहीं है, तो ठीक है। आपका क्या नाम है, पूरा नाम? अच्छा, कौन सी क्लास में हो? 5वीं तक। ये स्कूल 5वीं तक ही है, ठीक है। पढ़े कितने तक आते हैं? हाँ, इधर देखो, इधर शर्मा मत, 8th तक। और गिनती इंग्लिश में? इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। क्या क्या सिखाते हैं इंग्लिश में? अच्छा, और पोएम आती है आपको? पोएम नहीं आती है? अच्छा, पढ़े कितने तक आते हैं? अच्छा ठीक, 9 का पारा बोलो। नहीं आवे, आवे ठीक आता। 9th का आता है? 10 का, 8 का, 7 का, कौन सा आता है आपको? ठीक, जो भी आता बोलो। आपको आता पारा कौन सा? अच्छा 9th का बोलो, 9 का। अच्छा आपको भी आता है? गिनती आती है आपको? नहीं आती है? आपको नहीं आते? आप भी पढ़ते हो? आप भी बनो आटे करना हो? नातू के हो आप? इसके पापा का नाम नातू है, बोलते हैं नातू का हूँ मैं। और ये अभी बच्चे लोग अभी और आ रहे हैं। ये छुप रही है, ये नहीं छुपती है, छोटा सा है। ये पूरी स्कूल में बच्चे जो है वो आई थिंक 30 से 35 के लगभग यहाँ के काउंटिंग मैंने अभी देखी है। सो बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पे बच्चे जल्दी आ जाते हैं, डूब सकते हैं, और अपने लाइन से अपने बैगेज वगैरह जो है वो इधर लगा देते हैं और यहाँ पे खेलते हैं। अब थोड़ी देर बाद इनके टीचर आएंगे और फिर प्रार्थना होगी, फिर पढ़ाई होगी, फिर स्कूल में खाना पीना मिल का भी यहाँ पे जो है फैसिलिटीज है, जो बच्चे लोगों को मिल दिया जाता है। अलग 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 खाना भी दिया जाता है ना, ठीक, रोज अलग अलग। आज क्या मिलेगा? ठीक, रोज क्या क्या बनाते हैं? अरे मटर पनीर की सब्जी मिलती है? हाँ मटर पनीर मिलता है। अच्छा, और खिचड़ी, खिचड़ी मिल, दलिया, दाल चावल मिलते हैं? अच्छा, स्कूल में मटर पनीर भी बनता है इनके लिए, चलो ठीक है, बहुत ही अच्छा। एंड छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि आदिवासी इलाके में ऐसा ही होता है। अब आधे लोगों के तो स्कूल ड्रेसेस भी नहीं है, लेकिन आई थिंक सरकार नहीं देती है ना, ठीक है, यहाँ पे सरकार नहीं देती ना ड्रेस, सिलानी पड़ती ना? अच्छा, कभी दे देते हैं, कभी नहीं देते, ठीक है। आधे बच्चों के स्कूल ड्रेस नहीं है, आधे बच्चों के स्कूल ड्रेस है, सो बहुत ही अच्छा। और मेरी ये जो यादें जो है आई थिंक मैं 30 साल पहले इसी स्कूल में पढ़ता था, और इसी तरह से जैसे ये बच्चे अभी जो है उसी टाइप से मैं भी ऐसे खेलता था, ऐसे पढ़ता था। एंड उसके बाद तो अभी तो बहुत सारे चेंजेस हो गए, सरकारी स्कूलों में भी बहुत सारी चीज़ें, हम लोग जब पढ़ते थे उस टाइम कुछ भी नहीं था। आई थिंक मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरे भी 3rd में तो मेरे भी स्कूल ड्रेसेस नहीं थी, इनको पता है ये, मैं ठीक, मेरे भी स्कूल ड्रेस नहीं थी ना, मैंने ऐसे आता था वो टाइम में, नहीं था। हाँ, उस टाइम भी स्कूल ड्रेस नहीं थी,
और इनका घर पास में ही है। एक्चुअली ये जो इलाका जो है वो अभी अलग बना है, गांव पूरा अलग था लेकिन गांव अभी उधर से आ गया इस साइड में, बिकॉज यहां पे बड़े बड़े मकान बन चुके हैं और वहां पे जो है वो कच्चे मकान थे तो इन लोगों ने छोड़ के। हाँ, और यहां की गवर्नमेंट ने जो एक्स्ट्रा जो जगह बची हुई थी, जैसे कि जंगल आदिवासी में आपको पता ही है ना कि बाहर का इलाका खाली रहता है, तो इन लोगों को एक एक प्लॉट दे दिया और सबके घर अभी जो है वो बड़े बड़े बन चुके हैं। आई थिंक मैं आपको थोड़ी देर बाद अगर उधर का रिव्यू करूँगा तो इनके गाँवों का पूरा आपको एक्सप्लेन कराऊँगा कि यहाँ पे गाँव कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, यहाँ की गाय भैंस कितनी बड़ी। सो लगे रहो चैनल पे, लेट्स सी। गाइस अभी हम आ चुके हैं स्कूल के मील में, यहाँ पे सरकार की तरफ से बच्चों को खाना दिया जाता है और ये मैम बैठे हुए हैं, ये बनाते हैं खाना और ये प्लेट रखी हुई है, कुछ खाने का सामान रखा हुआ है और अभी ये कुछ खा रहे हैं। और ऊपर की साइड में आप देख सकते हो कि ये गैस भी पड़ा हुआ है और बर्तन इधर उधर पड़े हुए हैं और अभी ये आटा जो है ये बना रहे हैं। अभी ये थोड़ी देर में इनका खाना रेडी हो जाएगा तो बच्चों को खिलाएंगे। सो गाइज ये जो स्कूल है राजकीय प्राथमिक विद्यालय सिसोदिया का गुड़ा, ठीक है, पंचायत समिति कुंभलगढ़ जिला राजसमंद, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि पंचायत क्या होता है, दूसरे गाँव में तालुका वगैरह पता नहीं, कुछ अलग अलग बोलते हैं। और उस टाइम भी ये तीन कमरे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये वाला कमरा, एक ये वाला कमरा और एक ये वाला कमरा, तीन कमरे। उसके बाद में ये जो है ये ऑफिस होता था जहाँ पे लिखा जाता था प्रधानाचार्य ऑफिस, जहाँ पे जो स्कूल के जो प्रिंसिपल होते थे वो यहाँ पे बैठते थे। और यहाँ पे आज भी इस गांव में जो बच्चे पढ़ते हैं उसमें मील होता है, जैसे कि गेहूं, चावल, तेल, दाल, शक्कर, घी, अन्य जो चीज़ें होती है वो भी होती है और यहाँ पे खाना भी बनता है जो राजस्थान सरकार की तरफ से है। और ये बच्चे अभी यहाँ पे स्कूल खुला नहीं है, ठीक, 10 बजे का टाइमिंग है, अभी आधा घंटा बाकी है। और अभी एक ये वाला कमरा उस टाइम नहीं था, अभी नया बन गया, हेडपम्प जो पानी का जो है वो भी नया बन चुका है, ठीक है, वो भी नहीं था। नेक्स्ट आप लोगों को दिखाता हूँ कि ऐसा तो बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं, ये वाला झाड़ बहुत छोटा था बट आज पूरा इतना बड़ा हो गया, जब मैं था तब इतना छोटा सा झाड़ था लेकिन आज ये बहुत बड़ा हो गया। नेक्स्ट आपको इधर से दिखाता हूँ कि यहाँ पे हम लोग खेलते थे और जब सर्दी के दिन होते थे तो हमारे को टीचर जो है वो धूप में बिठाते थे और यहाँ पे हम लोग धूप में बैठते थे, देन छुट्टी होने के बाद इंटरवल में हम लोग यहीं खेलते थे, इसके बाहर का भी पार्ट है वहाँ पे भी जाके खेलते थे। अभी ये वाली जो चीज़ है वो नई बनाई हुई है एंड ये वाला कैमरा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला हॉल भी अभी नया बना है, ठीक, पहले नहीं था। नेक्स्ट उस टाइम इधर लेटरिन बाथरूम नहीं थे, अभी तो लेटरिन बाथरूम भी बन चुके हैं बच्चों के लिए, ठीक, पहले हम लोगों को बाहर जाना पड़ता था, बाहर मतलब ये वाली जगह मैं आपको बताता हूँ हम लोग लेटरिन बाथरूम कहाँ करते, यहाँ पे ये स्कूल है, यहाँ से पीछे जाना पड़ता था, अभी तो यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे लड़कियों का अलग और लड़कों का अलग, ठीक है, दो पार्ट में बनाए हुए थे,